आज का एक्सपेरिमेंट है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एग्जाम्स में ये आपको सॉलिड या लिक्विड किसी भी फॉर्म में मिल सकता है ये ऑक्सिलिक एसिड है सॉलिड फॉर्म में और ये ऑक्सलिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में हम इसी का यूज़ कर रहे हैं पहला टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो है लिटमस टेस्ट इसके लिए एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन एक या दो एम ले लीजिए फिर इसमें गिवन कंपाउंड ऐड कीजिए आप देखेंगे कि कंपाउंड मिलाते ही ब्लू लिटमस का कलर रेड हो गया इसका मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप में भी प्रेजेंट दूसरा टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इस टेस्ट को करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में गिवन कंपाउंड एक या दो एम ले लीजिए फिर उसमें पाँच से छः ड्रॉप सोडियम बाइकार्बोनेट की ऐड कीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते ही आप टेस्ट ट्यूब में सीओ टू गैस के छोटे छोटे बुलबुलें ऊपर की ओर निकलते हुए ऑब्जर्व करेंगे इसे ही सीओ टू गैस एफरवे कहते हैं ये देखिए इसका मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तीसरा टेस्ट हम करेंगे ईस्टर टेस्ट ईस्टर टेस्ट करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में एक एम एल गिवन कंपाउंड लीजिए अब इसमें दो एम एल इथाइल एल्कोहल ऐड कीजिए अब ऑप्सल्यूट का मतलब प्योर फिर इसमें तीन चार ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू एस ओ फोर की ऐड कीजिए यह है कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर पाँच छः ड्रॉप एस टू एस ओ फोर की ऐड करने के बाद इसे इस टेस्ट ट्यूब को तीन चार मिनट के लिए वाटर बाथ में रख दीजिए एक टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से वाटर बाथ का मतलब है एक बड़े बीकर में पानी लेकर उसे जलते हुए बर्नर पर रख दीजिए जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो वो उसी को हम वाटर बाथ कहते हैं इस बीच आप एक बीकर में टैप वाटर मतलब नॉर्मल पानी ठंडा पानी लेकर अपने पास रख लीजिए आइस कोल्ड वाटर की जरूरत नहीं है अब आप तीन चार मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब का कंटेंट उस बीकर में पलट दीजिए और उसमें से निकलती हुई स्मेल को कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कीजिए आप एक बहुत ही प्लीजेंट स्मेल ऑब्जर्व करेंगे जो कि ईस्टर है इस तरह कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड का कार